हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है 100 टेक्निकल टर्म्स ऑफ सर्वेइंग। हमने 54 टर्म्स के बारे में जान लिया था, अब नेक्स्ट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है? इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, यानी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है। हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए अपन जो इस सर्कल को रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या ट्रूनियन एक्सिस के हिसाब से, तो उसको अपन हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं। इसके अंदर दो प्लेट होती है, एक अपर प्लेट होती है जिसको वर्नियर प्लेट बोलते हैं, एक लोअर प्लेट होती है जिसको बेस प्लेट बोलते हैं या मेन स्केल बोलते हैं। वर्टिकल सर्कल क्या होता है? जो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए अपन को काम में आता है। ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग इसको बोलते हैं। टू रोटेट द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट ट्रूनियन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर अपन टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करवाते हैं तो उसको अपन ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग बोलते हैं। और स्विंग क्या है? टू रोटेट द इंस्ट्रूमेंट और टेलीस्कोप इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अपन अगर टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो उसको अपन स्विंग बोलते हैं। फेस लेफ्ट रीडिंग, इट इज़ वर्टिकल, इफ वर्टिकल सर्कल इज लेफ्ट टू द टेलीस्कोप वाइल साइटिंग द ऑब्जेक्ट, अगर जब हम ऑब्जेक्ट की साइटिंग करते हैं अगर अपना वर्टिकल सर्कल है वो लेफ्ट साइड है टेलीस्कोप के तो उसको लेफ्ट फेस रीडिंग, और अगर राइट साइड है तो उसको राइट साइड फेस रीडिंग या फेस राइट रीडिंग कहते हैं। टू चेंज द रीडिंग अपर क्लैम्प शुड बी अनक्लैम्प्ड, जैसे कि अपन को रीडिंग चेंज करनी है तो अपन अपर क्लैम्प को खोलेंगे, अगर रीडिंग चेंज नहीं करना है और इंस्ट्रूमेंट को ही रोटेट करना है तो अपन अपर क्लैम्प को बंद रखेंगे और लोअर क्लैम्प को खोल देंगे या अनक्लैम्प कर देंगे। लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है? अपनी आई से लेके ऑब्जेक्ट तक जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ कोलिमेशन, क्रॉस हेयर से लेके ऑब्जेक्ट लेंस तक जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, और टेलीस्कोप की जो लाइन होती है उसको टेलीस्कोप एक्सिस बोलते हैं। द थियोडोलाइट इज द नोमेनक्लेचर्ड बाय द डाई ऑफ लोअर प्लेट, यानी थियोडोलाइट को थियोडोलाइट के लिए उसका नामकरण है वो लोअर प्लेट का जो डाया उससे किया जाता है। जैसे अगर लोअर प्लेट का डाया 20 सेंटीमीटर है तो अपन बोल देंगे कि थियोडोलाइट है वो 20 सेंटीमीटर थियोडोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेट्रिक चेन, इसकी लेंथ होती है 20 और 30 मीटर, लिंक्स 20 मीटर में 100 और 30 मीटर में 150। गंटर चेन और सर्वेयर चेन क्या होती है? गंटर चेन की लेंथ होती है 66 फीट, उसमें भी 100 लिंक होते हैं। इंजीनियर चेन होती है 100 फीट लेंथ होती है, 100 लिंक्स होते हैं। रेवेन्यू चेन होती है 33 फीट लेंथ होती है, 16 लिंक होते हैं। इन चेन ब्रास रिंग एट ईच 1 मीटर इंटरवल, इन चेन टैग एट ईच 5 मीटर इंटरवल, अगर ऐसा टैग होगा तो 5 मीटर, ऐसा होगा तो 10 मीटर पे होगा, ऐसा होगा तो 15 मीटर पे होगा, ये वहाँ पे कंटिन्यूसली ये सीरीज चलती रहती है। अब क्या चेन में जो परमिस लेंथ में जो एरर होती है वो अगर 5 मीटर की चेन है तो वो प्लस माइनस 3 mm ले लेते हैं, 20 मीटर है तो प्लस माइनस 5 mm ले लेते हैं, 30 मीटर है तो प्लस माइनस 8 mm ले लेते हैं। फॉर बेस लाइन मेजरमेंट इनवायर टेप इज यूज, अपन अगर बेस लाइन का मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे इनवायर टेप यूज किया जाता है। इनवायर टेप मेनली किससे बना होता है? इनवायर टेप निकल और स्टील से बना होता है। निकल की क्वांटिटी होती है 36% और स्टील की होती है 64%। डी प्लस के एस प्लस सी, स्टाफ इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, अगर स्टाफ नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है तो उसकी ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे के क्या है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन आई, डायरेक्ट पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है अपना एग्जाम के हिसाब से। और सी है एडिटिव कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। बताए डिग्री ऑफ कर्व, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द वन चेन लेंथ, फॉर 20 मीटर चेन लेंथ के लिए ये 11 है, यहाँ पे 11 45 अपॉन आर रेडियन में है, और 30 मीटर चेन के लिए 17 19 अपॉन आर रेडियन। ट्रांजिशन,
कर्व है वो जर्क अवॉइड करवाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ पे कर्व लिख लेना। इन ट्रांजिशन कर्व शिफ्ट, शिफ्ट क्या होती है, जैसे अपना ये ट्रांजिशन कर्व है और ये यहाँ से ये अपना एक्चुअल जो है ये ऊपर से आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये शिफ्ट होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वेयर अपॉन 24 आर। तो इसके हिसाब से अपन शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 6 आर एल। यानी ये इक्वेशन है जो क्यूबिक पैराबोला होती है। टेक्योमीटर, टेक्योमीटर क्या होता है, इट इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद स्टेडियो डायफ्राम। स्टेडियो डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेडियो हेयर्स एट इक्वल डिस्टेंस। ये स्टेडियो डायफ्राम होता है ऐसा, ये और ये टू हेयर इनको बोलते हैं, ये वाला और ये वाला इसमें काउंट नहीं होता है। इन टेक्योमेट्री द वैल्यू ऑफ एडिटिव कॉन्स्टेंट शुड बी जीरो। इन टेक्योमेट्री सर्वे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बी 100। जो अपने एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट जो आए थे ये देखिए इनकी वैल्यू वहाँ पे अपने को बताई गई है। मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ लेवलिंग इज राइज फॉल मेथड। और मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज फॉल मेथड होता है, उनमें से मोर एक्यूरेट है अपना राइज फॉल मेथड, और सिंपल मेथड जो होता है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, ठीक है। और इन लेवलिंग करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर सी सी डी स्क्वायर अपॉन 2 आर होता है। आर की वैल्यू रेडियस इतनी होती है, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो सी सी आएगा 0.078 डी स्क्वायर। इन लेवलिंग रिफ्रैक्शन करेक्शन इज 1/7 ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वेक्शन या कर्वेचर करेक्शन के। प्लेन टेबल का साइज होता है 45 x 60 सेंटीमीटर, ये अपन काम में लेते हैं मोस्टली, या फिर 60 x 75 सेंटीमीटर। इन प्लेन टेबल लेवलिंग, यानी प्लेन टेबल लेवलिंग इज डन बाय द लेवलिंग जो होती है ना, इन प्लेन टेबलिंग वो स्प्रिट लेवल से की जाती है। इन प्लेन टेबल सेंटरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फोर्क या यू फोर्क जिसको बोलते हैं। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग रेडिएशन इंटरसेक्शन ट्रेवर्सिंग रिसेक्शन। इन लेवलिंग लिस्ट काउंट ऑफ स्टाफ 5 mm। इन कंटूर सर्वे फॉर मोर डिटेल लेस कंटूर इंटरवल रिक्वायर। जितने कम इंटरवल होंगे उतनी ज़्यादा डिटेल अपने को मिलेगी। इफ स्केल इंक्रीज देन कंटूर इंटरवल डिक्रीज, स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पीछे बताया था। इफ मोर अंडुलेशन ऑफ ग्राउंड देन कंटूर इंटरवल इज मोर। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इज फाउंडेड बाई एस अपॉन एन डी या एल अपॉन आर। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, वैन इट इज नेसेसरी टू लेवल ऑफ पॉइंट अक्रॉस ए रिवर और एनी ऑब्स्टेकल रिक्वायरिंग ए लॉन्ग साइड। यानी साइटनिंग अपने को कोई दिक्कत ना हो, और जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो अपन बीच में नहीं सेटअप कर सकते, कोई रिवर है उसकी दूसरी साइड के साइड से जो सर्वे कर सकते हैं, उसके दोनों ओर से लेवल उठाते हैं, तो वो रेसिप्रोकल लेवलिंग की हेल्प से किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपने सर्वे की 100 टेक्निकल टर्म्स यहीं कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स या आरसी से संबंधित एक सब्जेक्ट की 100 टेक्निकल टर्म्स शुरुआत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।